नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम गेहूं की बुआई जीरो टिलेज मशीन से करने के बारे में बतलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आईटीसी मिशन सुनहरा कल के तहत नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में कृषि विकास कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस दौरान हम सीतामढ़ी आकांक्षी जिले में हैं। धान की कटाई के बाद खेत की जुताई के बिना मशीन की मदद से सीधी पंक्ति में बुआई की अनोखी तकनीक है जीरो टिलेज। खरीफ सीजन के तुरंत बाद इस विधि से गेहूं की बुआई करने से कम लागत में अच्छी पैदावार ली जा सकती है। ये देखिए, यही है जीरो टिलेज मशीन। आइए अब इस मशीन की बनावट पर गौर करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मशीन में साधारण सी ड्रिल की तरह ही दो बक्से बने होते हैं, जिसमें से एक बक्से में बीज डाला जाता है और दूसरे में खाद। आमतौर पर इस मशीन में 9 या 11 फारे होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फारे आगे से नुकीले बने होते हैं, ताकि ये जमीन में सिर्फ पतली सी दरार ही खोद सके। इसकी बनावट में ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रत्येक फारे में प्लास्टिक की एक एक पाइप खाद और बीज वाले बक्से में सीधे जुड़े होते हैं, जिससे खाद ठीक बीज के पीछे गिरता है। आप देख सकते हैं कि उपचारित बीज हमने भरा हुआ है और इस बॉक्स में भरने से आप देखेंगे कि वो मशीन चलेगी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारा ये लगभग 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित है, उसी के हिसाब से हमारा बीज गिरता जाएगा। ये बॉक्स आप देख सकते हैं कि ये पाइप है जिससे हमारा गेहूं नीचे आता है, और ये जो दूसरा पाइप है उससे खाद आता है। खाद की जो गहराई है वो लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे है बीज से। तो इसका मकसद यह होता है कि डीएपी उर्वरक जो इसमें पड़ा है वो गतिशील रहता है मिट्टी के अंदर, और वो जड़ों के नीचे जाता है, तो उसका जो स्थापना है वो मिट्टी के अंदर वो बीज के 1 सेंटीमीटर नीचे है, जिससे कि बीज की जड़ें निकलेंगी, पौधा उगेगा, पौधे की जड़ें बनेंगी, पौधे के संपर्क में हमारा उर्वरक रहेगा, जिससे कि उसका वो उचित उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस मशीन के कई फायदे के कारण गेहूं के लिए शून्य जुताई पद्धति पानी जीरो टिलेज विधि किसी वरदान से कम नहीं है। जीरो टिलेज से खेती करने पर बिना खेत जोते पंक्ति में गेहूं की बुआई तथा मिश्रित खाद का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है। इस यंत्र के प्रयोग से बीज उचित गहराई में गिरते हैं, जिससे अंकुरण काफी अच्छी होती है। आपको ये भी बता देते हैं, बीज के छिड़काव विधि की तुलना में इस यंत्र के उपयोग से बीज एवं उर्वरक की मात्रा भी कम लगती है, और तो और खेत की जुताई न होने के कारण मिट्टी में नमी अधिक दिन तक संरक्षित रहता है, जिससे सिंचाई खर्च में भी बचत होती है। इसके अलावा अगर गौर करें तो बुआई में इस विधि से पौधों का वितरण समान रूप से हो पाता है, जिसके कारण कीट रोगों का प्रकोप कम होता है। लागत मूल्य के पैमाने पर अगर देखें तो इस विधि से बुआई करने पर 1800 से 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर जुताई खर्च में कमी आती है और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, जो कि धान की कटनी के बाद बगैर जुताई के गेहूं बोने से धान के पौधे के अवशेष सड़ के खेत में ही मिल जाते हैं, इसलिए मिट्टी की गुणवत्ता में और भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ गेहूं की फसल में खर पतवार की समस्या में कमी देखने को मिलती है। तो देखा आपने, बिना जुताई के भी आप गेहूं की उन्नत पैदावार पा सकते हैं। इस तकनीक को सीखकर सावधानियों को ध्यान में रखकर निश्चित तौर पे गेहूं की अच्छी उपज कर सकते हैं, और खुशी की बात यह है कि इस विधि को अपनाने में आप सरकारी सहायता भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि आप जीरो टिलेज जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाएं और अपना खर्च, समय और मेहनत तीनों बचाकर बदले में पाएं उन्नत पैदावार। फसल के संपूर्ण प्रबंधन हेतु पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को पूर्णतः अपनाया जा रहा है।
ऐसे ये जीरो टिलेज की बुआई अभी तक 30 दिनों की हो गई है और इस तरह से हम देखते हैं कि पंक्तिबद्ध गेहूं का अंकुरण बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। फसल की पहली सिंचाई 20 दिनों के उपरांत एवं प्रति एकड़ नाइट्रोजन 40 केजी का उपयोग किया जा चुका है। साथ ही साथ खेत में खरपतवार नियंत्रण हेतु आवश्यक छिड़काव किया जा रहा है। पहले हम लोग छिटवा विधि से गेहूं बाव करते थे, जिसमें एक एकड़ में 55 से 60 किलो बीज की खपत होती थी। इस बार मैं जीरो टिलेज से बाव किया हूं, एक एकड़ में 40 केजी बीज लगा है और इसका जो जनरेशन हुआ है वो बहुत ही अच्छा जनरेशन देख के ये पता चल रहा है कि इसकी पैदावार पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर होगी। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, अभी तक हम लोगों ने फसलों की बहुत सारी बातें की। अब हम आपसे बात करेंगे फसल के समय सिंचाई किस प्रकार की होनी चाहिए। अच्छी फसल की प्राप्ति के लिए समय पर सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। फसल में गाभा के समय और दानों में दूध भरने के समय सिंचाई करनी चाहिए। ठंड के मौसम में अगर वर्षा हो जाए तो सिंचाई कम भी कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक जब तेज हवा चलने लगे तब सिंचाई को कुछ समय तक रोक देना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि खेत में 12 घंटे से ज्यादा देर तक पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। गेहूं की खेत में पहली सिंचाई बुआई के लगभग 25 दिन बाद करनी चाहिए, दूसरी सिंचाई लगभग 60 दिन बाद और तीसरी सिंचाई लगभग 80 दिन बाद करनी चाहिए। पौधे के संरक्षण एवं संभावित रोगों से बचाव हेतु समुचित दवाओं का प्रयोग किसानों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत किया जाता है। किसानों को खड़ी फसल का खास ख्याल रखना चाहिए और हमेशा सही समय पर फफूंदी नाशक दवा का इस्तेमाल करते रहना चाहिए और खरपतवार का नियंत्रण करते रहना चाहिए। मैं पहले छिटवा विधि से गेहूं की खेती करता था। ITC एवं जन निर्माण केंद्र के लोगों के पहल पर मैंने इस बार जीरो टिलेज की पत्ती से मैंने गेहूं का खेती किया, जिसमें हमको खर्च 2/3 कम आए और ITC एवं जन निर्माण केंद्र के लोगों ने समय समय पर आके हम लोगों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य किया, जिससे हम लोगों का फसल आज के डेट में लहलहाता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा फसल हम लोगों को देखने को मौका मिलेगा। इसके लिए मैं जन निर्माण केंद्र ITC के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उदय शंकर शर्मा यहाँ का स्थानीय किसान हूँ। मैं अब तक पारंपरिक ढंग से खेती करता रहा, जिसके कारण लगातार खेती में घाटा होने के कारण हम प्रायः खेत बटाई लगा दिए। लेकिन आज मैं देखा कि अपने अनुज संजय कुमार का खेत जो लहलहाता है, उनके यहाँ हमेशा ITC और जन निर्माण केंद्र वाले लोगों से मिलता रहा और उनसे बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं भी ठान लिया हूँ कि मैं भी अपना सारा खेत बटाई छुड़ाकर अपने ढंग से खेती करूंगा और इसलिए हम ITC और जन निर्माण वाले को अपने जिला की ओर से बधाई देते। किसान भाई बहनों, हम गेहूं की कटाई के पहले उसके उत्पादन का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि हमारा गेहूं का उत्पादन इस वर्ष कितना हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शून्य जुताई से गेहूं की बुआई कर हम लागत में कमी उत्पादन को भी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक पैरामीटर के आधार पर हम आंकते हैं और देखते हैं कि हमारा उत्पादन कितना हुआ। इसके पूर्व तब हम सारे आकलन के आधार मानते हुए और दाने परिपक्व हुए कि नहीं ये परीक्षण के बाद ही कटाई को हम ध्यान देते हैं। जब ये कटाई करने के पहले इस सामान्य कुछ विधियां हैं जो हम अपने को मापते हैं और देखते हैं। अपने दांतों के तले दानों को दबाकर कट की आवाज़ से महसूस करते हैं कि ये पूरी परिपक्व हो गया है और इस तरह से हम उसको काटने के लिए तैयार होते हैं। सही तरीकों को अपनाने से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत में भी कमी आती है।
फसल कटाई के पूर्व फसल मूल्यांकन वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के मापदंड के अनुरूप करने के बाद हम ये पाते हैं कि हमारा जो पूर्व के जो उत्पादन था और इस तकनीक के माध्यम से जो उत्पादन, दोनों में काफ़ी अंतर अपने को हम पाते हैं। तो इस आधार पे हम पाते हैं कि करीब 20-30% जो उत्पादन है वो हमारा बढ़ा हुआ महसूस होता है। इस तरह से किसान भाई बहनों, हम शून्य जुताई से गेहूं की बुआई करके हम न केवल बदलते जलवायु के परिप्रेक्ष्य में टिकाऊ खेती की बात करते हैं, बल्कि लागत में कमी और उत्पादन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आइए किसान भाई बहनों, इस तकनीक को आगे बढ़ाएं और अपनाएं और अच्छी उपज प्राप्त करें। धन्यवाद। जनकांची जिला के अंतर्गत काम कर रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ जीरो टिल्ले का जो प्रशिक्षण कराया गया है वो फलीभूत हुआ है और उसको देखने से यह स्पष्ट हुआ है आज कि उपज जो करीब 48 क्विंटल 60 किलोग्राम हुआ है प्रति हेक्टेयर की दर से, वो बेहतर है। जबकि ये जानकारी लेने पर कि फसल कम लगी थी, ये जानकारी मिली है कि 8 दिसंबर को लगी थी। वजह ये थी, इसके पहले धान की फसल लगी हुई थी और धान की फसल लगी होने के कारण जब धान की फसल कटी 6 तारीख को, तो तत्काल उन्होंने जीरो टिलेज का प्रयोग किया। बावजूद इसके अच्छी उपज आई है, वेस्टर्ली विंड का प्रभाव पड़ा है, तब भी यदि ये काम जीरो टिलेज से नहीं करते तो निश्चित रूप से उपज में और ह्रास होता, क्योंकि फसल किसी भी हालत में पारंपरिक तरीके से भी लगाई जाती तो 15 तारीख से पहले नहीं लग सकती। जीरो टिलेज का फायदा ये हुआ है कि सिंचाई कम देनी पड़ी है उसको, खेत की तैयारी में समय नहीं लगा है और उसमें होने वाले खर्च से भी बचा जा सकता है। सही तरीके से उर्वरक का प्रयोग हुआ है और बीज की सही मात्रा सही दूरी पर गई है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश और सिंचाई का सबका सदुपयोग सही तरीके से हुआ है। फलतः ये जीरो टिलेज का नतीजा बेहतर आया है। किसानों से अनुरोध होगा कि वो इसको अपनावें और ये लाभ पावें कि देखें कि कितनी कम लागत से पारंपरिक तरीके से करीब 10 से 15 हज़ार रुपये का अंतर प्रति हेक्टेयर पर आता है और उपज लगभग समान है।